हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल एरा। मेरा नाम सारांश महाजन है और आज हम सर्वे का लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट सर्वे लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है वर्नियर स्केल, और ये इस पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। तो वर्नियर स्केल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम पहले वर्नियर स्केल की एक पिक्चर देख लेते हैं ताकि एक क्लियर आइडिया हमारे माइंड में आ जाए। तो दिस इज अ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का ये जो पोर्शन है इसे हम इंटरनल जॉस कहते हैं, इसे हम एक्सटर्नल जॉस कहते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मीटर्स में दिया हुआ है, इसलिए इसे मीट्रिक स्केल कहेंगे, और ऊपर वाला पार्ट इंचीज में दिया हुआ है, इसलिए इसे हम इम्पीरियल स्केल कहेंगे। ये जो ब्लेड आप देख रहे हो ये डेप्थ मेजर करने के काम आता है, इसे इसे हम डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। और दिस इज अ लॉकिंग स्क्रू। ये जो स्केल है बड़ा वाला इसे हम मेन स्केल कहते हैं, और जो छोटा वाला स्केल है इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो दिस इज ऐसे पूरे कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं, और वर्नियर कैलिपर में जो ये पार्ट होता है इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर वर्नियर कैलिपर। सो लेट्स स्टार्ट वर्नियर स्केल। 1631 में पेयर वर्नियर ने एक स्केल इन्वेंट किया जिससे हम किसी भी मेन स्केल का फ्रैक्शनल पार्ट भी रीड कर सकते हैं, और इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं क्योंकि इसे वर्नियर ने इन्वेंट किया था। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट। क्या होता है लीस्ट काउंट? होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम मेजरमेंट होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट होता क्या है वर्नियर स्केल के एस्पेक्ट में? एस डिवाइडेड बाय एन। तो एस क्या है यहाँ पे? हमारा मेन स्केल रीडिंग। और एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। एस इज मेन स्केल रीडिंग एंड एन इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। थियोडोलाइट क्या होता है? थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस दोनों मेजर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है। थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वर्नियर। वर्नियर की टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है सिंगल वर्नियर। सिंगल वर्नियर होता है जिसमें जो मेन स्केल ग्रेजुएशन होती हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं। डबल वर्नियर होता है जिसमें मेन स्केल ग्रेजुएशन बोथ डायरेक्शन में होती है, यानी कि दोनों साइड में मेन स्केल ग्रेजुएशन होंगी। फिर आता है डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर इसके बाद आता है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर और एक्सटेंडेड वर्नियर। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, और जेई के कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ये तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? जब वन मेन स्केल डिवीजन इज ग्रेटर देन वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इसे समझते हैं हम, जैसे कि ये हमारी मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है, और ये हमारी वर्नियर स्केल डिवीजन है। ऊपर वाली हमारी मेन स्केल डिवीजन है और नीचे वाली हमारी वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये जो मेन स्केल डिवीजन देख रहे हो, अब इसने क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वन मेन स्केल डिवीजन, जब एक मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा होगी तो हम उसे डायरेक्ट वर्नियर कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक मेन स्केल डिवीजन ज्यादा है एक वर्नियर स्केल डिवीजन से। यहां से हमारा क्लियर हो गया कि डायरेक्ट वर्नियर होता क्या है। अब इसको दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एन डिवीजन ऑन वर्नियर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। अगर एक मेन स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा है तो नंबर ऑफ डिवीजन कौन ज्यादा होगी? सिंपली वर्नियर स्केल में ही ज्यादा होंगी। सामने दिख रहा है कि हमें वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा है, और वही लिखा हुआ है इन्होंने कि एन डिवीजन ऑन वर्नियर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। मतलब अगर 50 डिवीजन है वर्नियर में तो यहाँ पे 49 डिवीजन होगी मेन स्केल में, तो हम इसे डायरेक्ट वर्नियर कहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट वर्नियर कि किस तरह से हम समझते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो रेट्रोग्रेड वर्नियर में ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जैसे कि डायरेक्ट वर्नियर में याद रखा एन डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसी तरह से रेट्रोग्रेड वर्नियर में हमें याद रखना है कि एन डिवीजन ऑन वर्नियर इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब यहाँ पे कौन सी डिवीजन बड़ी होगी, मेन स्केल की या वर्नियर स्केल की?
ऑब्वियसली 1 ईयर स्केल की रिविजन यहाँ पे बड़ी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि अगर इन्होंने बोला है एंड डिविजन ऑफ 1 ईयर, यानी कि अगर 5 डिवीजन है 1 ईयर स्केल की, तो वो इसके इक्वल है N+1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि अगर 5 डिवीजन है 1 ईयर स्केल की, तो नीचे आएगी हमारी 6 डिवीजन मेन स्केल की। ये ऊपर वाला 1 ईयर स्केल है, नीचे वाला मेन स्केल है, तो यहाँ पे बड़ी डिवीजन किसकी है? ऑब्वियसली 1 ईयर स्केल की डिवीजन ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा रेट्रोग्रेड 1 ईयर आएगा कि एन डिवीजन ऑन 1 ईयर इज इक्वल टू N+1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। लास्ट आता है एक्सटेंडेड 1 ईयर, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके पॉइंट्स याद रखने हैं। एन डिवीजन ऑन 1 ईयर इज इक्वल टू 2N-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो ये हमारा एक्सटेंडेड 1 ईयर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट 1 ईयर स्केल। हमने सबसे पहले पढ़ा कि 1 ईयर स्केल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि लीस्ट काउंट क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ 1 ईयर के बारे में पढ़ा, सिंगल, डबल, डायरेक्ट, देन रेट्रोग्रेड एंड देन एक्सटेंडेड 1 ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ न्यूमेरिकल कहेंगे जो कि एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी आप स्टेट जेई एग्जाम दे रहे हो उस हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ग्राउंड इज प्लॉटेड ऑन अ मैप एज 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स कि ग्राउंड डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ग्राउंड मीन्स ग्राउंड डिस्टेंस हमें दिया है 10 मीटर इज प्लॉटेड ऑन अ मैप एज 0.5 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, सॉरी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल ही होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अंदर जो यूनिट्स होते हैं मैप डिस्टेंस के और ग्राउंड डिस्टेंस के, वो सेम होते हैं। अब वही चीज़ हमें निकालनी है, जैसे कि हमें मैप डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस 10 मीटर। अब इस स्केल का मुझे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना, मैं क्या करूंगा, 0.5 सेंटीमीटर को एज इट इज लिख दिया और 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये एक तरीका है इसको लिखने का, या आप ऐसे कर सकते हो कि 10 मीटर को एज इट इज रहने दो और 0.5 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। हमें ये मतलब नहीं कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में मेन पॉइंट होता है कि हमें मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस के यूनिट सेम रखने हैं। जो मैप डिस्टेंस का यूनिट होगा वही ग्राउंड डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए, तो वो स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बन जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 1/2000। तो 0.5 सेंटीमीटर बाय 10 मीटर का अगर स्केल होगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2000। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। प्लान ऑफ अ मैप वॉज फोटो कॉपी टू अ रिड्यूस साइज सच दैट लाइन ओरिजिनली मेजर 100 mm नाउ मेजर्स 90 mm। क्या कह रहा है कि जो एक मैप है उसको हमने फोटो कॉपी किया और उसका जो साइज है उसको रिड्यूस कर दिया। इस तरह से रिड्यूस किया कि एक लाइन जो ओरिजिनल मैप में 100 mm की थी, अब वही लाइन फोटो कॉपी मैप के अंदर 90 mm की है, यानी कि हमारा स्केल हमारी लेंथ रिड्यूस हो गई। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल स्केल हमें दिया हुआ है 1/1000 का, हमें रिवाइज्ड स्केल निकालना है, यानी कि जो स्केल रिड्यूस हुआ, जो श्रंक हुआ, उसको निकालना है। तो ये श्रिंकेज फैक्टर का क्वेश्चन है। तो हमें पता है श्रिंकेज फैक्टर का फॉर्मूला, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ कौन सी है, 90 mm, ओरिजिनल लेंथ है हमारी 100 mm, तो यहाँ से हमारा श्रिंकेज फैक्टर निकल गया। अब एक फॉर्मूला जो हमने नहीं पढ़ा था पिछले लेक्चर में, वो ये था कि श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक स्केल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्केल। तो यहाँ से हम श्रंक स्केल या रिवाइज स्केल निकाल सकते हैं। श्रंक स्केल इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल मल्टीप्लाई बाय श्रिंकेज फैक्टर। ओरिजिनल स्केल हमें दिया हुआ है 1/1000, वही हमने इधर पुट किया, मल्टीप्लाई किया 0.9, जो कि हमारा निकला श्रिंकेज फैक्टर 0.9। इसको 90/100 को सॉल्व करके आया हुआ है, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/10 इज इक्वल टू 0.9। तो इसको मल्टीप्लाई किया 1/1000 जो कि ओरिजिनल स्केल है, तो हमारा फाइनल आंसर आया श्रंक स्केल का 1/1111। तो दिस इज अवर आंसर।
नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है द टाइप ऑफ सर्वे वेयर इन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इज नोन एज। अब हमने पढ़ा है कि दो डिविजन्स पढ़ी थी पहले लेक्चर के अंदर, कि एक तो पढ़ी थी प्लेन सर्वे, एक तो पढ़ी जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में हमने कहा था कि जो अर्थ का कर्वेचर है उसको हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि अर्थ को फ्लैट कंसीडर करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। एक डायमेंशन बताई थी कि इस डायमेंशन से कम होगा तो हम उसको प्लेन सर्वे कंसीडर करेंगे, अगर इस डायमेंशन से ज्यादा होगा, वो डायमेंशन कौन सी थी, 18.5 किलोमीटर डिस्टेंस और 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं तो वो कौन सा सर्वे होगा, वो जियोडेटिक सर्वे होगा। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज। अब हमने वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का प्रिंसिपल पढ़ा था, ये क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या फायदा होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने का, पार्ट टू होल क्यों नहीं करते हैं। हमने दो पॉइंट पढ़े थे उस लेक्चर में कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इसलिए किया जाता है, एक तो हमारा जो एरर है वो कन्फाइंड रहता है, लोकलाइज रहता है, वो बढ़ता नहीं है, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने एक्यूमुलेशन ऑफ एरर गेट कन्फाइंड। ये दो पॉइंट पढ़े थे, वन इज एरर गेट लोकलाइज्ड एंड अदर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एरर गेट कन्फाइंड। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा बेस्ट मैच कर रहा है वो है सी पार्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स इज प्रिवेंटेड, मतलब एरर की एक्यूमुलेशन प्रिवेंट रहती है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में, इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइगनल स्केल के बारे में, ऑन डाइगनल स्केल इट इज पॉसिबल टू रीड अप टू। अब हमने डाइगनल स्केल के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, दो तरह के स्केल होते हैं हमारे, बेसिकली तीन तरह के स्केल होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन स्केल, एक होता है हमारा डाइगनल स्केल एंड लास्ट इज वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल के बारे में नहीं पढ़ा, डाइग्रेस स्केल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वर्नियर स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया। प्लेन स्केल क्या होता है, जब भी हम दो डाइमेंशंस में, टू डाइमेंशंस में मेजरमेंट कर सके तो उसे हम प्लेन स्केल कहते हैं, जब भी हम थ्री डाइमेंशन में मेजरमेंट कर सके उसे हम डाइग्रेस स्केल कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने हमारा सिंपल स्केल देखा होगा तो उसमें ऊपर जो होता है वो सेंटीमीटर में मेजरमेंट होती है, ठीक है, और नीचे इंचिस या फुट में मेजरमेंट होती है, तो ये दो डायमेंशन में मेजरमेंट कर रहा है तो इसे हम प्लेन स्केल कहेंगे। इसी तरह से अगर हम इंचीस, मीटर और सेंटीमीटर तीन डायमेंशन में मेजर कर सके तो उसे हम डायगनल स्केल कहेंगे। इसके बारे में इतना ही पढ़ना जरूरी है, तो इसका आंसर क्या है, थ्री डायमेंशन। एक्सीडेंटल एरर और कंपेंसेटिंग एरर के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है, एक्सीडेंटल एरर और कंपेंसेटिंग एरर क्या होते हैं। एक्सीडेंटल एरर और कंपेंसेटिंग एरर ऑफ टाइप एल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। ये आपको सिंपल याद रखना है कि जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं, जो कंपेंसेटिंग एरर होते हैं, वो स्क्वायर रूट ऑफ एल के प्रोपोर्शनल होते हैं। एल क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द मेजरमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर, यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेन सर्वेइंग। सो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर यूट्यूब चैनल सिविल एरा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।